सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से आ चुके हैं इंडियंस कार के साथ एक वाटर चैलेंज करने। और देख सकते हो गाइस, अपने पास कितने सारे इंडियंस कार है और आज हम लोग इन सारे के सारे इंडियंस कार के साथ करने वाले हैं एक्सट्रीम वाटर रिवर क्रॉसिंग चैलेंज। पहले आप कार का यहाँ पर लाइनअप आप देख चुके हो, तो चलिए आप सभी को आप बताते हैं कि कैसा आज का अपना ट्रैक होने वाला। तो सबसे पहले यहाँ से अपने सारे के सारे कार्स को आनी है और फिर यहाँ से जंप करना है। और जंप करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप सभी के सभी कार्स को यहाँ इस ट्रैक पे आना है। और फिर ट्रैक पे भाई साहब काफी ज्यादा पानी है और फिर यहाँ से सारी के सारी कार्स को पूरे पानी को क्रॉस करते करते अपने सारे कार्स को यहाँ तक आनी है। और जो भी कार्स यहाँ तक सही सलामत आ जाएगी वही कार अपनी आज की विनर बनने वाली है। लेकिन भाई आज का जो चैलेंज है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आज का चैलेंज है उसमें भाई साहब कार्स मतलब की आधे रास्ते में जाकर के ही ज्यादातर कार्स बंद हो जाएगी। तो देखेंगे कौन कौन सी जो कार है वो सर्वाइव करके एंड पॉइंट तक जा पाएगी और जो भी कार वहां तक जाएगी वही अपनी कार आज की विनर बनने वाली। तो चलो यार, काफी ज्यादा मजा आएगा, पूरा दिल थाम के वीडियो को देखना, कसम से यार मजा आ जाएगा। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही आप लोग अपने फेवरेट कार का नाम हमें जरूर से कमेंट करना, अगली वीडियो में मैं उस कार को लाने की जरूर से कोशिश करूंगा। तो चलो यार, एक एक करके हम लोग इन सारी की सारी कार्स को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी महिंद्रा थार को लेके चल रहे हैं, फिर एक एक करके हम लोग सारी की सारी कार्स को लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ से अपनी थार को लेके चलते हैं और देखते हैं गाइस की थार अपनी कैसे यहाँ पर परफॉर्म करने वाली है। देखो यार, यहाँ पर कार सबसे ज्यादा आज बंद पड़ने वाली है, तो देखते हैं अपनी जो महिंद्रा थार है वो कैसी परफॉर्म करने वाले। वैसे तो यार ये कार खूब मस्त है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो काफी ज्यादा हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओ माय गॉड, और यहाँ पर नंबर भी लगे पड़े हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कार कितने नंबर तक जा पाई है। और देखो अभी 8वें नंबर तक हम लोग आ चुके हैं और अपनी थार अभी भी चल रही है और शायद यहाँ पर अब थार की हालत खराब हो चुकी है और ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। लेकिन भाई देख रहे हो भाई, थार में पावर देखो। और फाइनली अपनी जो महिंद्रा थार है वाइस मिशन को कंप्लीट कर पाई। लेकिन यार देखो, आपको बता दूं, अपनी थार यहाँ तक आ पाई है भाई, मुझे दूसरी कार का गारंटी नहीं है कि कार्स यहाँ पर कौन कौन सी आ पाएगी, क्योंकि यार कार्स बंद भी पड़ जाएगी। थार एकदम से सर्वाइव करिए, लेकिन अब देखो ये बिल्कुल बंद पड़ गई होगी ये मुझे लगता है, और अभी तक तो ये चालू है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट इंडियन कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चल रहे अपनी टोयोटा इनोवा को। और भाई ये बड़ी गाड़ी होती है तो ये मजेदार तरीके से परफॉर्म कर सकती है, इसलिए हम लोग इसको सेकंड चांस में लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं गाइस कि ये कैसी परफॉर्म करने वाले। हम लोगों ने पहले थार को बहुत ही आसान तरीके से इस मिशन को करा दिया है, तो देखते हैं यहाँ पर जो अपनी इनोवा है वो कहाँ तक सर्वाइव करती है। और भाई ये बड़ी गाड़ी है तो शायद डूबेगी नहीं मुझे लगता है, लेकिन क्या ये सर्वाइव करते हुए नीचे वहां तक एंड पॉइंट तक जा पाएगी या नहीं। वैसे यार देख सकते हो, ओ माय गॉड क्या गजब जा रही है भाई, क्या गजब। ओ माय गॉड, कितनी आसान तरीके से आ गई भाई, अरे बाबा रे क्या मस्त आ गई भाई, एकदम मजा आ गया यार। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना सिंपल आ जाएगा यार, देख रहे हो क्या मजा आ गया यार। तो चलो चलते अपनी नेक्स्ट इंडियन कार की तरफ, एकदम से मजा आ जा रहा है गाइस। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चले अपनी टाटा हैरियर को। तो चलो टाटा हैरियर को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। अभी तक अपने दोनों के दोनों कार्स खूब मस्त परफॉर्म करी है और बहुत ही सिंपल तरीके से वो अपने इस मिशन को कंप्लीट करी है। तो देखते हैं टाटा हैरियर यहाँ पर कैसे परफॉर्म करती है और क्या ये एंड पॉइंट तक जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। वैसे यार इसको दिक्कत हो सकती है मुझे लगता है जहाँ तक, लेकिन यहाँ पर भी पानी कम है और शायद पानी कम होगी तो ये बिल्कुल निकल जाएगी। और भाई साहब देख रहे हो भाई, अरे रे रे भाई आराम से, ओ भाई साहब क्या ही सीन हो गया था, देख रहे हो, अरे बाबा रे इसकी आगे का टायर दोनों उड़ जा रहा। लेकिन गाइस मजा आ गया यार इस चैलेंज को करने में, देख लो टाटा हैरियर भी बहुत अच्छी तरीके से मिशंस को कंप्लीट करी है। तो चलो यार चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चले अपनी टाटा सफारी को। तो चलो यार अपनी टाटा सफारी को यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी यहाँ पर परफॉर्म करने वाली है। वैसे क्या लगता है टाटा सफारी क्या इस मिशंस को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं, कमेंट में आप हमें जरूर से बता देना। तो चलो देखते हैं टाटा सफारी के यहाँ पर जंप, देख सकते हो क्या बेहतरीन जंप रही है। लेकिन भाई इसको थोड़ी दिक्कत ज्यादा ही होने वाली है मुझे लगता है, और पानी भी इसके सामने खूब ज्यादा है। क्या लगता है कहाँ तक सर्वाइव करेगी, मुझे तो नहीं लगता। ओ माय गॉड, 5 और लो भाई साहब 5वें नंबर तक ही बंद हो गए यार, और टाटा सफारी इस मिशन को फेल करके। देखो यार पानी कितनी ज्यादा, देख रहे हो लहरें कितनी तेज आ रही है। तो चलो अगली कार की तरफ चलते हैं। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चले अपनी BJ40 जीप को। तो चलो यार अपनी BJ40 को लेके चलते हैं, और भाई ये भी जीप काफी मस्त होती है, तो इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर कैसी परफॉर्म करेगी। वैसे यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है, अभी तक अपनी एक कार वो टाटा सफारी फेल करी है, बाकी तो टोयोटा इनोवा महिंद्रा थार और टाटा हैरियर भाई इस मिशन को कंप्लीट कर गई है। तो देखते हैं जो BJ40 है वो कहाँ तक सर्वाइव करती है, और भाई पानी इसके सामने भी काफी ज्यादा है, ऐसा ना कि भाई इसका इंजन भी बंद हो जाए, लेकिन मुझे तो लगता है शायद ये कर जाएगी, क्योंकि भाई ये बेस्ट कारों में से। और भाई परफॉर्मेंस देख रहे हो, ओ माय गॉड
मजा आ गया यार, BJ40 को चलाने में मजा आ गया। और गाइस देख रहे हो ये भी अपने इस मिशन को कर गई, मजा आ गया भाई साहब। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चल रहे अपनी Hyundai i10 को। तो चलो ये छोटी सी कार है, देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म यहाँ पर करने वाली है। और अगर Hyundai i10 कर गई तब तो यार मजा आ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये अपने इस मिशन को करेगी, क्योंकि यार पानी काफी ज्यादा है यहाँ पर और इतनी छोटी सी कार है वो तो मतलब आराम से ही डूब जाएगी। तो देखते हैं गाइस ये कहाँ तक सर्वाइव करने वाली है। और क्या भाई, ओ भाई इसकी टायर्स आगे, अरे पावरी क्या है भाई, ओ हो मजा आ रहा है भाई। अरे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी शानदार ये परफॉर्म करेगी, और शायद तो ये मिशंस को ना कंप्लीट कर लेगी भाई, मजा आ जाएगा अगर चली जाएगी तो। नहीं 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 यहाँ पर दिक्कत हो रही है भाई, और देख रहे हो, अरे बाबा रे, ओ माय गॉड, ये लास्ट में आकर के बंद पड़ी है भाई, एकदम छोटा सा ट्रैक और बचा था, लेकिन भाई साहब ये फेल कर चुके हैं मिशंस को। तो लेकिन यार बहुत अच्छी परफॉर्म करी है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चल रहे अपनी प्यारी सी देसी कार महिंद्रा बोलेरो को। और क्या लगता है गाइस, बोलेरो क्या यहाँ पर मिशंस को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलो देखते हैं। और ये रही भाई साहब बोलेरो की जंपर, देख रहे हो फ्लिप क्या गजब मारे, अरे बाबा रे, रुको रुको सीधा कर लेते पहले, नहीं तो भाई ये पलट जाती। ओके, और बोलेरो की परफॉर्मेंस देखते हैं कहाँ तक सर्वाइव करती है। वैसे यार ये नो डाउट ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगी और ये अपने इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेगी, मुझे पता है। ओ भाई साहब सिनेमैटिक व्यूज देख रहे हो, ओ हो क्या बात है यार, मजा आ गया भाई, मतलब इस सिनेमैटिक्स में तो मजा आ जाता है। और फाइनली, अरे बाबा यहाँ पर मत रुकना था, निकल जाओ, अरे नहीं, अरे यार काफी ज्यादा गड़बड़ सीन हो गया भाई, यहाँ पर एकदम से ट्रैक पे ही बंद हो गया यार, मतलब समझ रहे हो, एकदम एक कदम की दूरी थी और यार अपनी बोलेरो बंद पड़ी है और ये मिशन को फेल कर चुकी है, लेकिन परफॉर्मेंस यार दिल जीतने वाली थी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चल रहे अपनी Hummer S3 को। और भाई Hummer S3 की तो बात ही अलग है, तो देखते हैं यहाँ पर ये कैसी परफॉर्म करने वाली है भाई। ये लगता है कि पूरा स्टील बॉडी इसकी कार है, मतलब हल्की भी डैमेज नहीं होती है। तो क्या लगता है गाइस ये कहाँ तक सर्वाइव करने वाली है और क्या ये अपने इस मिशंस को कंप्लीट कर पाए क्या नहीं, ये आप जरूर से हमें कमेंट में बता देना। अरे बाप रे क्या सीन हो रहा है गाइस, देख रहे हो एकदम से, लेकिन ये बड़ी कार है, बहुत आराम से कर जाएगी, दिक्कत नहीं होने वाली है। और यार पावर, अरे बाबा रे क्या सीन है गाइस, अरे नहीं 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 यहाँ पर काफी ज्यादा पानी है भाई, ऐसा ना कि डूब जाए, अरे बाप रे गई यार, जितनी ज़्यादा उम्मीदें उस कार से वही कार फेल कर रही है और लगातार तीसरी कार फेल करी है यार। तो चलो चलते हैं अगली कार की तरफ, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भाई कार को। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चल रहे अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को यार। और फॉर्च्यूनर दबंगों की कार है, तो देखते हैं यहाँ पर जो अपनी फॉर्च्यूनर है वो कैसे यहाँ पर परफॉर्म करती है। वैसे गाइस क्या लगता है कि क्या फॉर्च्यूनर यहाँ पर इस मिशन को कंप्लीट करेगी या नहीं करेगी, कमेंट में आप जल्दी जल्दी मुझे बताओ। बहुत सारी दिग्गज कार यार इस मिशन को फेल करी है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करती है। अरे बाप रे क्या बात है यार, इसको थोड़ा भी पानी मिला ही नहीं, लेकिन आगे जा करके काफ़ी ज़्यादा पानी मिलने लगी है। तो आगे देखते हैं कि ये कहाँ तक सर्वाइव करती है। वैसे यार देखो इंजन में इसके भी पानी तो जा ही रहा है, और ऐसा ना हो कि ये बंद पड़ जाओ। लो भाई साहब, मतलब क्या सीन हो गया इधर, कुछ कार्स को मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, सारी की सारी कार्स फेल कर रही है। लेकिन चलो मजा इसी में है, ओरिजिनल पावर का पता चलता है कि कौन सी कार में कितना ज़्यादा पावर है। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चल रहे अपनी प्यारी सी Scorpio S11 को। तो चलो यार अपनी S11 को लेके चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो अपनी S11 है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। वैसे यार बिग डैडी ऑफ SUV है, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं ये कहाँ तक सर्वाइव करती है। और क्या ये भाई, अरे बाप रे, ओ बाबा रे, अरे रे, ये तो कुछ गलत ही सीन हो गया भाई, मैं सोचा कि इसको फ्लिप लगा दूँ लेकिन नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसको यहाँ से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक सर्वाइव करती है और क्या ये अपनी S11 इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पानी काफ़ी ज़्यादा है और भाई पानी ज़्यादा होगी तो फेल करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और अपनी S11 भी इस मिशन को फेल कर चुकी है। गाइस अब हम लोग लेके चल रहे अपनी सुजुकी डिजायर को, और भाई सुजुकी डिजायर से मुझे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक सर्वाइव करती है और क्या ये अपने इस मिशन को कम्प्लीट कर पाएगी या नहीं, अब ये देखने वाली बात है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट में बताओ। देखो यार ये परफॉर्म कर सकती है, मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि भाई साहब ये जो कार है ना इसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन यार स्पीड से क्या फ़ायदा, जब पूरी की पूरी पानी में डूब जाएगी तो जाना पॉसिबल है ही नहीं। तो देखते हैं, ये 7 नंबर तक तो आ पाई है लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएगी भाई साहब। देख रहे हो सीन, देखो आप कार की मतलब स्ट्रगल देखो यार, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। सो अब जो हमारी अगली कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चल रहे अपनी प्यारी सी Mahindra XUV 700 को, और इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे अपनी Ford Endeavor को। और भाई आज के चैलेंज में ज़्यादा कार तो पास नहीं करी है, लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जितनी भी यार कार्स में पावर है वही कार से इस मिशन को कंप्लीट करी है, तो ये अच्छी बात है भाई। आप इससे उम्मीदें लगा सकते हो कि कौन सी कार में कितनी ज़्यादा पावर है। लेकिन गाइस
यहाँ पर ये भी जाएगी। देखो मैं ये नहीं बता रहा कि रियल लाइफ से आप कंपेयर करो, ये गेम है भाई, बस गेम को लेकर के ही चलो। और ये भी अपने इस मिशन को फेल कर चुकी है। तो चलो गाइस अपनी आखिरी कार को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर कैसी परफॉर्म करेगी। बहुत सारी कार यार, बहुत सारी कार से इस मिशन को फेल करी है, शायद 4-5 कार इस मिशन को पास करी है। और देखते हैं कि अपनी जो इंडीवर है वो कैसी परफॉर्म करने वाली। इंडीवर यार पानी में तो चलती नहीं है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर क्या जा पाएगी इंड पॉइंट तक, क्या नहीं जा पाएगी, अब ये देखने वाली बात है। वैसे यार मुझे इससे उम्मीदें उतनी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यार देखो ये ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन पानी में इसको थोड़ा चलने में दिक्कत होती है। लेकिन गाइस मैं बिल्कुल गलत था, अरे नहीं मैं बिल्कुल सही था, और देख रहे हो गाइस ये भी फेल कर चुके। तो यार आज के इस चैलेंज में ज़्यादा कार तो पास नहीं करी है, लेकिन चलो यार मज़ा आया। तो उम्मीद है आज की आपको ये चैलेंज अच्छी लगी है। आप लोग अपने फेवरेट कार और फेवरेट चैलेंज का नाम कॉमेंट करना, मैं अगली वीडियो में उस कार को भी लाऊंगा और उस चैलेंज को भी करूंगा। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में।